लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे डेटा के अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था किसी टेक्स्ट फाइल को हम कैसे यहाँ एक्सेल में लाएंगे, किसी सीएसवी फाइल को कैसे यहाँ पे लाएंगे, जिसमें से हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था सीएसवी फाइल को, तो कॉमा सेपरेट वैल्यू था। ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट सेशन में करके देखा था, अगर याद हो तो। इसको हम लोगों ने सीएसवी फाइल से कॉपी पेस्ट किया था, तो ये एक ही कॉलम में आ गया था ना। इसी चीज़ को अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग कॉलम में आ जाए, तो हम लोग चाहे तो इसका सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन आपको मिलता है ना यहाँ से, इसको डाटा मेन्यू में मिलेगा, बाय डिफॉल्ट टैब होता है, आप इसको चाहो तो सेलेक्ट करके कॉमा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमा कॉमा पे हमारा सेपरेट है वैल्यू, तो डेलीमीटर का मतलब यहाँ पे है कि किससे आप सेपरेट करना चाहते हो, कॉमा से करना चाहते हो तो कॉमा कर दो, उसके बाद फिर आप टैब से करना चाहते हो या स्पेस से करना चाहते हो। जब हमने नोट पैड से किया था तो यहाँ पे हमने देखा था कि स्पेस के थ्रू भी हमने डेलीमीटर को सेपरेट किया था, टैब से भी किया था, तो हम यहाँ पे टैब से भी मारा था। कॉमा से भी कर सकते हैं। कोई और भी चीज़ रहेगी तो आप अदर पे जाके इस पे वो चीज़ें पास कर सकते हो। फिलहाल अभी यहाँ पे कॉमा आया तो कॉमा करके हमने नेक्स्ट किया और देन फाइनली फिनिश करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक देखिए सेपरेट कर देगा। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम में करिए, या फिर आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आई थिंक दैट क्लियर हो गया होगा। ये तो है, लेकिन CSV थोड़ा सा मेरे ना उसमें था कि हाउ टू क्रिएट वाला, वो मैं आपकी वीडियो देखनी पड़ेगी YouTube पे। सीएसवी, हाँ सीएसवी फाइल बनाना है तो एक बार चाहे तो लास्ट टाइम वाला वीडियो आप देख लेना कैसे सीएसवी फाइल बनाते हैं। बाकी इसमें टेबल टेबल को अगर किसी पर्टिकुलर रेंज को टेबल में कन्वर्ट हाँ, करना ये भी है करा था मैंने, तो सेव कर रखा है, दिखाता हूँ आपको मैं। वो चीज़ें आप देख लीजिएगा कैसे, क्योंकि लास्ट टाइम ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसको होम मेन्यू में भी जा करके यहाँ से, जैसे हमारे पास एक टेबल का ऑप्शन यहीं पे मिलता है ना, टेबल का भी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मिलता है, टेबल में अच्छा, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके इसको टेबल में, जैसे यहाँ से वहाँ से भी कन्वर्ट होता है, इधर से भी कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल कर रहा है, वैसे भी अगर आप डाटा में जाओगे तो यहाँ से भी अगर आप इसको सेलेक्ट करके फ्रॉम टेबल रेंज करोगे, देखो ये फिर भी एक टेबल ही क्रिएट करने का काम करेगा, सेम वही ऑप्शंस आपको ले आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको इस टेबल में से जैसे कुछ रो को आपको हटाना है तो यहाँ पे देखिए रिमूव टॉप रो दिया है, रिमूव बॉटम रो, रिमूव अल्टरनेट रो, मतलब एक छोड़ करके एक रो को डिलीट कर देगा ये, रिमूव डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट्स एंट्रीज को रिमूव कर देगा, ब्लैंक रो अगर है तो खाली रो को भी ये डिलीट कर देगा। तो यहाँ से मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सेटिंग मिलेगी, आप इसको करके देख सकते हो कि टॉप रो रखना है नहीं रखना है, क्या रखना है इसमें, कॉलम कौन कौन से आपको रखने हैं वो यहाँ पे चूज कॉलम में भी कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर कॉलम में जाना है तो गो टू कॉलम दिया गया है, कौन से कॉलम में जाना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके वहाँ से देखिए ऑटोमेटिक ये जेंडर वाले में चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि उसी उसी से रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहते हैं उस एग्जिस्टिंग डाटा में तो कर सकते हैं। रिमूव कॉलम, किसी कॉलम को आपको हटाना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारे पास डेट एंड टाइम है, इसको अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉलम को हटा देगा। तो यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पूरा का पूरा डेटा एज इट इज चाहिए होगा तो यहाँ से मॉडिफिकेशंस के बाद आप इसको हटा सकते हो, यहाँ से कीप रखना है ये सारी चीज़ें या डिस्कार्ड करना है। जैसे अभी हमने जो चेंजेस किए हैं उसको
चेंजेस को चाहते हो या फिर डिस्कार्ड करना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू कीप चार्जेस, तो आप कीप यहाँ पे करेंगे। तो जो चेंजेस आपने कर रखे हैं, देखिए इसमें से हमने रिमूव किया था डेट वाला, तो ये डेट हमारा यहाँ से गायब हो चुका है। इसमें एक और बड़ा चैलेंजेस आता है, जैसे अगर हमने किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लिया, तो इसमें से आपको अगर देखेंगे इसको नॉर्मल डेटा अगर करना है, तो नॉर्मल डेटा हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे ना। मान लो इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल ए करके, कंट्रोल सी करके कॉपी किया, और यहाँ से मैंने एक नई सीट जनरेट करते हैं। सर थोड़ा सा और बता देना एक बार पीछे से, एक बार ध्यान से हट गया था मेरा। इसको पेस्ट करेंगे और ऑल्ट एच ओ आई करेंगे, से ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है सर। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सिर्फ इतना सा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो डेटा हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये डेटा जो भी हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस डेटा को अगर टेबल में एक बार कन्वर्ट हो जाएगा, इसको नॉर्मल डेटा करने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप इसमें देखोगे ना, जैसे टेबल में आओगे ना, तो ऑटोमेटिक एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बाहर जाओगे तो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा, फिर टेबल पे आओगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जैसे देखिए हेडर रो दिया है, हेडर रो का क्या मीनिंग है यहाँ पर देखिए, ये सबसे टॉप वाली रो है, फिर भी अभी ये टेबल में ही है। आप हेडर रो हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को देखिए हाईलाइट कर देगा, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर दिया। टोटल रो का मतलब है सबसे लास्ट वाली रो। अच्छा, अगर टोटल रो को यहाँ पे देखिए, ये टोटल रो ऑटोमेटिक देख रहे हैं, जैसे हमने टोटल रो लगाया ऑटोमेटिक टोटल भी कैलकुलेट करके दिखा दिया अमाउंट का। तो ये चीजें यहाँ से हम मैनेज करते हैं। जब टेबल हम बनाएंगे ना, उसको किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटी हमें मिल जाती है। और इसमें से आपको जैसे रिमूव डुप्लीकेट्स मिलेगा, तो रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे तो आप डुप्लीकेट्स भी यहाँ से हटा सकते हो। आईडी को कंसीडर करेंगे तो कभी भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा आईडी हमारी यूनिक होती है। तो हम यहाँ से आईडी को हटा देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं है हमारे पास। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री का मतलब ये है कि ये पूरा रिकॉर्ड चेक करता है, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड ये चेक करेगा, सारे कॉलम्स मैच करने चाहिए तब ये डुप्लीकेट एंट्री मानी जाएगी। अगर हम यहाँ पे डुप्लीकेट्स रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाएंगे तो हमसे पूछेगा क्या क्या चीज़ें आप कंसीडर करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें जिसके अकॉर्डिंग डुप्लीकेट डाटा निकालना होता है उसी कॉलम को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर हमें डुप्लीकेट में देखा जाए तो जेंडर में बहुत सारे डुप्लीकेट्स मिलेंगे, कंट्री में बहुत सारे मिलेंगे। तो अगर हमने एज को हटा दिया जाए और जेंडर और कंट्री और अमाउंट तीन को कंसीडर करते हैं, देखते हैं कितना डुप्लीकेट्स मिलता है। तब पर भी कोई डुप्लीकेट्स नहीं मिला। अब इस बार हम रिमूव डुप्लीकेट्स में सारी चीज़ों को अनसेलेक्ट कर देते हैं, केवल दो चीज़ को कंसीडर करेंगे, जेंडर और कंट्री को। तो आप देखना इसमें कितने डुप्लीकेट्स हैं, 22 डुप्लीकेट्स आपके रिमूव हो चुके हैं। अभी टोटल हमारा इतना आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास टेबल में कन्वर्ट करने पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। टेबल को रिसाइज करना है तो कर सकते हैं, अगर इसी का पायोट टेबल बनाना है तो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर इसी डाटा को नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट करना है, हमें टेबल वाले डिज़ाइन से हटाना है, ये डिज़ाइन जो आ रही है इसको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज मिलेगा डिज़ाइन वाले टेबल डिज़ाइन में। और जब तक टेबल में आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये ऑप्शन आएगा नहीं। कन्वर्ट टू रेंज में जाओगे तो यहाँ से
नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा, ठीक है। अब ये देखिए डिज़ाइन वाला सेक्शन हट जाएगा आपका, यहाँ देखिए अब नॉर्मल में रेंज कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये डिज़ाइन आपकी हट जाएगी। अगर आपको फॉर्मेट हटाना है तो फॉर्मेट में तो आप क्लियर में जाओगे, क्लियर यहाँ पे फॉर्मेट्स को क्लियर करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हो। नाउ इज द नॉर्मल डेटा नॉट इन द टेबल डेटा, तो टेबल डेटा हमें यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए मिलता है, आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो डाटा के अंदर, और इंसर्ट के अंदर से भी आपको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों जगह से। इंसर्ट से भी अभी हमने देखा था कि यहाँ से जाएंगे टेबल का आपको ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट करोगे टेबल में कन्वर्ट कर दोगे, ये टेबल में हो जाएगा। सेम आपको कन्वर्ट करना नॉर्मल रेंज में, तो यहाँ से यस करिए नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर देगा। डिज़ाइन हटाना है तो क्लियर से जाइए, केवल फॉर्मेट को करिएगा, अगर कंटेंट कर देंगे तो सारा गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे, नॉर्मल डिज़ाइन आ जाएगी आपकी। तो इसमें हम लोगों ने जो चीज़ें देखा था, ये सारी चीज़ें डेटा कहीं से ला रहे थे या तो फिर एग्जिस्टिंग डेटा को हम टेबल में कन्वर्ट कर रहे थे, और इसमें हमारे पास एक दिया गया है क्वेरीज एंड कनेक्शंस। इसका मतलब ये है कि कहाँ कहाँ से हमारे कनेक्ट डेटा इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, वो आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखा देगा, कहाँ कहाँ से आपके कनेक्शन करंट में स्टेबल है, कौन कौन से टेबल को आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है वो आपको दिखा देगा। कोई चेंजेज अगर आप करते हो तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, जैसे सोर्स डेटा में, जैसे नोटपैड या सीएसवी में कोई चेंजेज करते हैं, यहाँ पे उसका इफेक्ट देखना है तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। कोई भी अपडेट आएगा तो वो रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से वो डेटा। और ये जो वार्निंग दे रहा था, एरर दे रहा था, क्यों दे रहा था, क्योंकि हमने वहाँ से जितनी चीज़ों को इंपोर्ट किया था ना, वो फाइल को डिलीट कर रखी है, इसलिए वो फाइल मिल नहीं रही है, इसीलिए वो ऐसे एरर दे रहा था। तो आई थिंक दैट ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें कोई डाउट्स रहेगा, क्वेरीज रहेगा, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है सर। इसी डाटा में अगर हम देखें तो फिल्टर का ऑप्शन भी मिलेगा, सॉर्टिंग का भी मिलेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे जाएं, ये टेबल लगाते ही आ जाएगा, अगर टेबल लगाने से नहीं आ रहा है तो पहले तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिल्टर हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा हमारा, किसी भी सेल को इसमें सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे फिल्टर हट जाएगा। और इसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना है तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज, इसको नॉर्मल रेंज में कर लेंगे। और इसको फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम लोगों ने देखा था क्लियर में जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट कर लेंगे, ये हमारा नॉर्मल डाटा हो गया। अब इसको फॉर्मेट अगर यहाँ पे हम करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर, तो इसमें हमें इस कॉलम को अगर सेलेक्ट करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर ए टू जेड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि इसी में केवल सेलेक्ट करेंगे या एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो एक्सपेंड सेलेक्शंस करेंगे तो पूरे को सेलेक्ट करके देखिए ए वाले एक साइड कर देगा, बी वाले एक साइड कर देगा, सी वाला एक साइड कर देगा, सारे डाटा आपको अरेंज कर देगा। देखिए सीरियल नंबर हमारा आईडी चेंज हो चुकी है क्योंकि ये नेम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हो गया है। अगर यही चीज़ें हमने आईडी के अकॉर्डिंग किया होता तो यहाँ से ए टू जेड हम सॉर्टिंग करते तो ये क्या करता, इसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर देता। यही चीज़ें हम लोगों ने सॉर्ट एंड फिल्टर भी लगा करके देखा था कि जैसे हमने इस डेटा पे फिल्टर लगाना है तो फिल्टर लगाएंगे तो ऑटोमेटिक, देखिए ये यहाँ से भी लगा सकते हैं फिल्टर, या तो फिर हम इसको शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल, एक बार प्रेस करेंगे तो लग जाएगा फिल्टर, एक बार कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो हट जाएगा। और यहाँ से ये सॉर्टिंग वाला ऑप्शन आपको इधर ही मिलेगा, जो यहाँ पे मिल रहा था वो इधर भी मिलेगा। इसमें एडवांस भी होती है फिल्टरिंग, हम एडवांस भी कर सकते हैं, जैसे
थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, इसको रीड मोड में लाते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे इनके बारे में डिस्कस किया था, किसी भी टेबल को कन्वर्ट करने के लिए क्वेरीज एंड कनेक्शंस का भी हमने देखा, रिफ्रेश ऑल कब काम करेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर, क्लियर रीअप्लाई, ये चीजें हम लोग इंसर्ट मेन्यू में भी करके देखा था। इसमें एडवांस फिल्टर होता है जिसमें हम क्राइटेरिया का मतलब है कंडीशन, ये देना होता है, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डाटा को फेच करके लाना होता है। तो कैसे लाएंगे उसी को यहाँ पे हमने देखा है। जैसे इस डाटा में से हमारा ये पूरा डाटा है और ये हमारा क्राइटेरिया है, तो इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें केवल मेल कैंडिडेट का हमें कैसे चाहिए, तो हमने यहाँ पे जेंडर लिखा और जेंडर में हमें मेल का चाहिए केवल, और यूएस वाले कंट्री का चाहिए, कौन से कंट्री का चाहिए, यूएस वाले कंट्री का चाहिए। मैंने यहाँ से ये यूएस को सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। इसके बिहाफ पे हमें इसमें से डेटा फिल्टर करके निकालना है, तो चलते हैं एडवांस फिल्टर में। एडवांस फिल्टर में जाएंगे तो ये हमारा डाटा सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि हमारा ये कंडीशंस किसके बिहाफ पे होना चाहिए। बाकी आपको कॉपी टू क्राइटेरिया, यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसी के प्लेस पे चाहिए या अलग लोकेशन पे? अलग लोकेशन पे चाहिए तो आप उसको लोकेशन बता दो, जैसे यहाँ पे हमें चाहिए, तो ये इसमें से डेटा फिल्टर करके यहाँ निकाल के आपको अलग से दे देगा। देखिए यहाँ पे जो डेटा हमारे पास मिला है, एक मेल कैंडिडेट्स का उठाया है और यूएस का है जिसकी एज 24 है, जिसकी आईडी 6 है। यहाँ पे आईडी ये हमारा 6 है। इसमें एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या सच में एक ही है या और भी है। तो हमने फिल्टर लगाया और जेंडर के हिसाब से मैंने सॉर्टिंग कर दिया। तो पहले मेल वाले का चाहिए तो हमें जेड टू ए कर देते हैं, और कंट्री के अकॉर्डिंग हमें चाहिए तो जेड टू ए यूएस का पहले। तो यहाँ पे देखिए यूएस के कुल इतने कैंडिडेट्स हैं जिसमें से केवल एक मेल कैंडिडेट्स है जिसकी आईडी 6 है, तो यहाँ से डेटा हमें फिल्टर करके निकाल देगा। तो ऐसे ही हमें एडवांस फिल्टर का मतलब यह है कि उसमें से कोई कंडीशंस लगा करके हम डेटा को निकाल सकते हैं। इसी में जैसे अगर हमें यूएस का देखना होता कि जिनका अमाउंट यहाँ पे जेंडर से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे देखते कि जिनका अमाउंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2554 से ज्यादा है, 2554 से ज्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से एडवांस फिल्टर में जाएंगे और ये पूरा डेटा हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, और क्राइटेरिया में हमें यहाँ पे देना रहेगा क्राइटेरिया, हम इसको हटाएंगे यहाँ से, नया क्राइटेरिया लेंगे और सेम लोकेशंस पे चाहिए या किसी दूसरे लोकेशंस पे, दूसरे लोकेशन का मतलब हमें यहाँ पे चाहिए है तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हमारा डेटा यहाँ से फिल्टर करके निकाल दिया। इसको ऑटो फिट कर लेते हैं, ऑल्ट एच ओ आई करके ऑटो फिट हमने कर लिया। तो इसमें देखिए जो भी हमारे यूएस के कैंडिडेट्स हैं जिनकी मिनिमम अमाउंट 254 से ज़्यादा था,
वो सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आपको बना के दे दिया, यहाँ से निकाल के दे दिया। तो एडवांस फिल्टर का मतलब ये है कि आपको उस डेटा में से क्या करेगा, फिल्टर करके डेटा बाहर दे देगा। अगर आप सेम लोकेशंस पे चाहेंगे तो सेम पे भी कर सकते हैं, अगर आप सेपरेट लिस्ट चाहेंगे तो सेपरेट भी कर सकते हैं। ये जो कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये कंडीशंस यही चीज़ें थी इसमें कि आप ग्रेटर देन लगा सकते हो, लेस देन, इक्वल, एग्जैक्ट अमाउंट के लिए इक्वल लगा सकते हो, बाकी वैल्यू भी आप पास कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट का चाहिए तो आप सीधे सीधे यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट डाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे यूएस का ही चाहिए तो मैंने केवल यूएस लिख दिया था, बस यूनाइटेड स्टेट। तो एडवांस फिल्टर में कुछ यही है, सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर हमें सॉर्टिंग एंड फिल्टर आता है तो एडवांस फिल्टर बहुत ईजी है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो आपको रिमूव डुप्लीकेट्स अगर करना है तो यहाँ से भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं। जो टेबल में कन्वर्ट करने के बाद हमें मिलता था ऑप्शंस, वो ऑप्शंस आपको अगर नॉर्मल डेटा है, टेबल में कन्वर्ट नहीं किया गया है, तो आप रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें से भी आपको जैसे कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना है वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे जेंडर कंसिडर करना है, कंट्री कंसिडर करना है, तो यहाँ से हमने उस चीज़ को सेलेक्ट करके ओके किया। तो देखिए ये 22 डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने किया था वहाँ पे भी 22 डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव किया था, यहाँ पे भी आपको डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करेगा। तो डिपेंड करेगा आपको टेबल वाले में से करना है या डायरेक्ट बिना टेबल से करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का डाटा वैलिडेशन वगैरह हम इस चीज़ को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, कंसोलिडेट क्या है, क्योंकि टेक्स्ट टू कॉलम हमने कर रखा है, क्लास फिल भी हमने कर रखा है, ठीक है। ठीक है।